चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर सुंदरनगर बस अड्डा से कुछ ही दूरी पर एक स्कूटी एकाएक स्किट हो गई, जिसके कारण स्कूटी पर सवार एक बच्ची ट्रक के नीचे आ गई, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई, जबकि स्कूटी चालक महिला व उसका बेटा जोनल अस्पताल मंडी रेफर कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर सुंदरनगर बस अड्डा से कुछ ही दूरी पर एक स्कूटी एकाएक स्किट हो गई, जिसके कारण स्कूटी पर सवार एक बच्ची ट्रक के नीचे आ गई, जिससे अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बस अड्डा की ओर से बाहर निकल करके स्कूटी जैसे ही आगे निकली तो पीछे से बस चालक ने एकाएक ब्रेक लगा दी, जिससे स्कूटी स्किट हो गई, लेकिन पीछे से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे 8 वर्षीय वंशिका पुत्री दिनेश शर्मा निवासी पुराना बाजार की मौत हो गई और 45 वर्षीय कुसुमा शर्मा पत्नी दिनेश शर्मा और 13 वर्षीय वंश को सिविल अस्पताल सुंदरनगर में प्राथमिक उपचार देने के बाद जोनल अस्पताल मंडी रेफर किया गया है। घटना का और तहसीलदार वेद प्रकाश अस्पताल में पहुंचे और 10,000 रुपए फौरी राहत राशि के तौर पर प्रदान की। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। डीएसपी संजीव भाटिया ने बताया कि ट्रक चालक के खिलाफ धारा 289, 337, 304 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्यवाही तेज कर दी है। एक ट्रक और स्कूटी की टक्कर हुई है, जो ट्रक चालक के खिलाफ तेज़ रफ्तारी से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया गया है अंडर सेक्शन 287, 337, 304। और इस दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए थे, जिनको तुरंत लोकल सुंदरनगर हॉस्पिटल लाया गया। वहां पर उपचार के दौरान एक लड़की जिसकी उम्र 8 वर्ष है, उसकी मृत्यु हो गई है और बाकी जो 2 घायल हैं उनको यहां पर फर्स्ट एड देकर आगामी उपचार हेतु मंडी भेजा गया है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।